हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में सबका बहुत 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 स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का पीरियड आने वाला है, विच इज़ अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 24 तक, उस टाइम के दौरान आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, क्या चीज़ हो सकती है। बिकॉज जितना आपको पता होगा, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ समवेयर यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट रेट्रोग्रेड, और कहीं ना कहीं बहुत सारे अजम्पशंस है इस चीज़ को लेके, यानी ना मिसकम्युनिकेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। टेक्नोलॉजी जो भी मर्क्यूरी रूल करता है उसके रिगार्डिंग चीज़ों में थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है चीज़ें। तो आपकी लाइफ में ये रेट्रोग्रेड कैसे इफेक्ट करने वाला है, दैट इज़ समथिंग जो हम देखने वाले। बिकॉज आई फील ये वीडियो जो होगा, आप कोई भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में देखो, चाहे वो अगस्त को आ रहा है ऑफ द सेम ईयर 2024 में, आई बिलीव अगस्त में भी एक रेट्रोग्रेड है। तो ये कोई भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आप देखो, लाइक कोई भी साल के कोई भी रेट्रोग्रेड में मर्क्यूरी के, ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा। ये वीडियो जब आपके पास आएगा, इट इज़ टाइमलेस। तो हर रेट्रोग्रेड में अगर आपको ये वीडियो उस रेट्रोग्रेड में मिल रहा है, मतलब वो उस टाइम के लिए है। ओके, सो गाइस, कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। उसके लिए हम दो पाइल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे है पाइल नंबर 1, ओके, विच इज़ दिस। ओके, पाइल नंबर 2 इज़ दिस। ओके, तो आप चूज़ करिए, अपना टाइम लीजिए, आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इज़ इट पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2? ओके, टेक योर टाइम। ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो येस, टाइम्स आ चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, बिकॉज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आप बुक कैसे कर सकते हो मेरे साथ एक प्राइवेट रीडिंग। तो अगर आपको लगे आपको रीडिंग बुक करनी है, सो जस्ट गो फॉरवर्ड विद इट। एंड ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू योर वीडियो। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि इस रेट्रोग्रेड में आपके लिए क्या आ रहा है। अगर आपने चूज़ किया है दिस इज पाइल नंबर 1, लेट्स सी पाइल नंबर 1 व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ओके, रेट्रोग्रेड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा लव को क्रेव करने वाले हो। मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हो, सेपरेशन में हो, आपके माइंड में कोई भी पर्सन है, आई थिंक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा लव को क्रेव करोगे। शायद आप डिनायल में भी रहोगे, आप दूसरों को बोल सकते हो कि यू नो आई डोंट वॉन्ट इट, अभी मेरा वक्त नहीं है। बट आई थिंक डीप डाउन आप प्यार को बहुत ज़्यादा चाहोगे, चाहे वो किधर से भी आए, बट मोस्टली ऑब्वियसली रोमांटिक थिंग। बट आई थिंक लव आपके बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा, एंड दैट इज़ समथिंग जो आपको आपका ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। बिकॉज आई डेफिनेटली फील इन दैट एरिया कुछ तो हुआ हो सकता है, या फिर देर इज़ सम डिसअपॉइंटमेंट विद दिस एरिया, जिसकी वजह से आप लव को बहुत ज़्यादा क्रेव कर सकते हैं। यू आर रेडी, आई थिंक बहुत ज़्यादा पाइल, यहाँ पे ये जो पाइल नंबर 1 है मेरे, दे फील लाइक दे आर रेडी टू कमिट और दे आर रेडी टू जंप इनटू दिस। अगर आप डिनाइल में भी हो, आई थिंक प्यार को आप बहुत क्रेव करोगे, एक कमिटेड ट्रू ऑनेस्ट पार्टनर, एक कंपेनियन, एक अंडरस्टैंड करने वाला इंसान, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा चाहने लगोगे। एंड दूसरा चिट भी अपने आप गिर गया, सो विल सी व्हाट इट इज़। इट इज़ गिल्ट। ओके, कोई कोई लोगों के यहाँ पे गिल्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लव, या कोई तो एरिया में आपको बहुत गिल्टी फील होगा। मे बी यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू समथिंग, और कुछ तो गिल्टीनेस की फीलिंग आप में आ रही है। या, और इसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को बिल्कुल देखो ना, आप थोड़े अनग्रेटफुल वाले मूड में जा सकते हो इस टाइम पे, जहाँ पे क्योंकि आपको एक चीज़ इतनी ज़्यादा चाहिए कि आपके पास जो करेंटली अवेलेबल है उसकी कदर आपके माइंड में, आपके हार्ट में बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आपको ये चीज़ से बचना है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, स्टार्ट बीइंग मोर ग्रेटफुल जो आपके पास ऑलरेडी है। वॉन्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, वॉन्ट होना इज़ फाइन। वॉन्ट ही है जो हमें कॉन्फिडेंट बनाती है, हमारा ड्राइविंग फोर्स बनती है, उसके बिना हम क्या ही है। बट वॉन्ट होकर अनग्रेटफुल होना अपने करेंट सर्कमस्टांसिस को देखकर, वो गलत है। आई थिंक आपको ग्रेटफुलनेस बहुत मुश्किल से आएगी इन दिस पीरियड। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाए कि आप अनग्रेटफुल हो जाओ, मतलब जैसे कि आपके हिसाब से कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, तो आप थोड़े से अनग्रेटफुल हो सकते हो। सो यू नो, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए।
आप में कुछ तो हिडन टैलेंट है जो आपको ढूंढने की जरूरत है ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट में, कुछ तो आपको थॉट आएगा या फिर कोई तो आपको अंदर से अभी भी लगता है, आपने अपने आप को फुली डिस्कवर नहीं किया है पाइल नंबर वन। मुझे लगता है कि आपके अंदर और बहुत सारी हिडन ग्रेटनेस है। अगर आप कोई करियर जॉब थिंग के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे लगता है नहीं आपने अपना ट्रू पोटेंशियल या पावर या पैशन अब तक कुछ भी सिलेक्ट भी किया है। आई डोंट थिंक कि आपको पता भी है इन व्हाट एरियाज यू कैन बी गुड। आपको अपने ऑक्यूपेशन में, अपने करियर में सब चीज़ों को एक रीथिंक करने की ज़रूरत है और मर्क्यूरी रेट्रोगेट आपसे वही कराएगा। आपको कंफ्यूज करेगा ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप समझ नहीं पाओगे यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट एक चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी, दैट इज़ आप सेटल नहीं हो पाओगे। आपको लगेगा यहाँ कुछ कम है, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, दैट इज़ बिकॉज आपने अपने आप को फुली डिस्कवर नहीं किया है। कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत माहिर हो सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना पैशन जानने की ज़रूरत है। करियर में हो सकता है या समथिंग एल्स, यू हैव टू लेट गो ऑफ जजमेंट्स। आपको अपना ट्रू ऑनेस्ट सेल्फ दिखाना पड़ेगा। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आपको थोड़ा ट्रिगर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लव, मुझे ऐसा ज़रूर आ रहा है, थोड़ा ट्रिगरिंग टाइम हो सकता है, मतलब आप थोड़े डिनाइल में रहोगे लेकिन सच्चाई आपकी सोल को पता है कि हाउ मच यू क्रेव लव। यहाँ पे किसी लोगों के लिए फैमिली ड्रामा भी आ सकता है, जहाँ पे आपकी फैमिली में थोड़ा ड्रामा हो सकता है। एक पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो गया है, अचानक से उसकी वॉइस चढ़ गई है, अचानक से वो उल्टा बोलने लग गया है, अचानक से वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, और फॉर सम ऑफ यू ये आपके रिगार्डिंग होगा भी नहीं, ये आपकी खुद की फैमिली डायनेमिक्स में कुछ ना कुछ हो रहा है जिसके कारणवश आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेस ऐड होते हुए दिख रहा है। या फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकती है, आपकी फैमिली की हार्मनी थोड़ी स्पॉइल हो सकती है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा बहुत कंट्रोल करना चाह रहा है आपकी सिचुएशंस को, आपके घर की सिचुएशंस को। ये कोई मेल पर्सन हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू एक इंसान, एक विमेन भी हो सकती है, एक फीमेल भी हो सकती है, जो मतलब कॉन्स्टेंट बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट मुझे होते हुए दिख रहा है, जिसकी जबान बहुत तेज़ हो गई है, बहुत कड़वा बोलने लग गया है कोई। फॉर सम ऑफ यू ये आप खुद हो सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत रूडली एंगेज कर सकते हो, बिकॉज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता क्या है, मर्क्यूरी इज़ द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें। तो प्रॉब्लम्स किस में आएगी आपको, कम्युनिकेशन में। आप बोलना कुछ चाहोगे, आप बोलोगे कुछ और, सो ये दिक्कतें आएंगी आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिस इन्फॉर्मेशन होगी, तो इन चीज़ों से खास करके बच के रहिएगा, बिकॉज क्या होगा, आप बहुत कम इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हो, या फिर आपकी फैमिली में से कोई ऐसा कर सकता है जहाँ पे उनकी बात करने का टोन बहुत ख़राब हो गया, जो बोलना चाहते थे उससे गंदा बोल दिया। लाइक बी अवेयर कि ये चीज़ गंदा ना हो, इसको गंदगी में ये ना आए, बिकॉज आई थिंक कि पॉसिबिलिटीज़ है कोई इंसान बहुत ज़्यादा चार्ज और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और कुछ भी बोल रहा है। ये कोई अर्थ साइन हो सकता है, या फिर आप अर्थ साइन हो, या फिर आपकी फैमिली में जो अर्थ साइन है ये उनकी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके एंड वाटर साइन भी हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये कोई वाटर साइन या अर्थ साइन है, या आप वाटर साइन या अर्थ साइन हो, जैसे भी आपसे रिलेट कर रहा है, बट आई डेफिनेटली फील ये जो कॉज कर रहा है या फिर ये चीज़ जिसको इफेक्ट होने वाली है सबसे ज़्यादा, वो एक वाटर साइन और अर्थ साइन को होने वाली है। या फिर एक वाटर साइन और अर्थ साइन के बीच में कुछ होगा, एंड यू विल बी लाइक इन द मिडल ऑफ इट। पर मुझे एक फैमिली ड्रामा होते हुए नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, वॉन्ट लव, पर आपकी चाह में, आपके दिल में, आपके जहन में, आपकी आत्मा में प्यार चाहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, आप बहुत लव को क्रेव करोगे, एंड यू विल बी लाइक आई, मतलब मुझे क्यों नहीं, वाई नॉट मी, अभी तक क्यों नहीं, आई डिजर्व दिस, और उसको लेके थोड़ा अनग्रेटफुलनेस आ सकता है इन योर हार्ट। यू विल बी लाइक रेडी, मतलब आप बहुत पैशनेट फील करोगे, मतलब यू आर रेडी टू टेक केयर ऑफ समथिंग, एंड फिर भी ये चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है। आप बहुत अपने आप को ब्यूटीफाई भी कर सकते हो, फॉर सम ऑफ यू अपने थोड़े बॉडी पे ध्यान दे सकते हो, अपना थोड़ा ड्रेसिंग चेंज कर सकते हो, क्लोजेट में न्यू कपड़े ऐड कर सकते हो, यू कैन योर ड्रेसिंग अप, थोड़ा फ्लावर, यू नो, थोड़ा मतलब फ्रेग्रेंस आ रहा है मुझे, यू कैन बाय न्यू परफ्यूम, मतलब कुछ तो आपके अपने स्टाइलिंग में, अपने लुक्स में अलग करोगे। गिल्ट बहुत स्ट्रांग आ रहा है, आपको गिल्ट नहीं छोड़ेगा, ओके, आपको गिल्ट नहीं छोड़ेगा कोई चीज़ को लेके। यू विल फील अ लॉट गिल्टी अबाउट समथिंग जो हुआ है या आपने किया है या हो रहा है। गिल्ट इज़ अ प्रॉब्लम इन योर हार्ट, ओके, एंड वॉन्टिंग लव इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट अ डिज़ायर जो बहुत स्ट्रांग आ रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। आप चाहोगे किसी से कोई आपको परस्यू करे, मेल या फीमेल, मुझे लगता है सबके लिए है। एक पैशन की एनर्जी ऊपर जाएगी, मतलब यू वुड वांट कि कोई आपको क्रेव कर रहे, यू नो, चाहे आप डिनायल में भी हो, यू वुड से नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट यू नो, योर हार्ट नोज कि आपको वो कितना चाहिए, ओके।
आप बहुत ज़्यादा या मैं वही कह रही थी ना, मुझे यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस हो सकते हो अचानक से, या फिर आप हो गए हो, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कोई कोई चीज़ों में, कोई कोई मैटर में, एंड इसकी वजह से आप अपने ऊपर और थोड़ा ध्यान दे सकते हो. अगर नहीं दे रहे हो तो आई थिंक दिस इज़ योर साइन कि आपको ये करना चालू करना चाहिए. और मर्क्यूरी रेट्रोगेट में ये चीज़ थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी, आपको अपने बारे में जो लग रहा है अभी कि आप इनसिक्योर हो वो इंटू टू हो जाएगा. ठीक है, इससे बचने के लिए आपको यू हैव टू वर्क ऑन योर अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस पे काम करनी है. अपने बॉडी को जो भाता है, जो अच्छा लगता है आपको, जो अच्छा लगता है वो चीज़ें करना चालू करो, बिकॉज यू हैव टू फाइट दिस फीलिंग. ओके, बिकॉज सम ऑफ यू ये कुछ हो सकता है. फैमिली ड्रामा बहुत बहुत अब्रप्टली आ रहा है आप लोग के लिए. सो यस, डिस्ट्रैक्शन बन सकती है फैमिली यहाँ पे. अगर आप ऑलरेडी कोई फैमिली ड्रामा में इन्वॉल्व हो देन ये चीज़ और बढ़ सकती है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी का तो अचानक से, यू नो आई सी एक पर्सन जो जिसमें आग लगी हुई है, लाइक लिटरली फायर की एलिमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है. इट इज़ नॉट फायर साइन, बट मेरे को लग रहा है कि जो अग्नि है किसी के अंदर की, गर्मी मतलब पैशन बोल लो या फिर गुस्सा बोल लो, अचानक से गुस्सा बहुत हो गया है. फॉर सम ऑफ यू किसी का मंगल अभी एक्टिव हो सकता है बहुत ज़्यादा, इसके वजह से आपके फैमिली में किसी का हो सकता है. सो थोड़ा सा उस इंसान से सबको हो सकता है वो इंसान इतना गुस्सेल हो जाएगा कि सब धीरे धीरे उनसे दूर हो जाएंगे. और ये पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है आपको भी, बिकॉज़ ये चमगादड़ की तरह चीज़ों पर चिटक जाता है. वो नहीं हिलेगा और वो नहीं समझेगा, वो नहीं बदलेगा. सो ऐसा कोई भी चमगादड़ टाइप का इंसान कोई भी इंसान जो एज अ बैट एकदम हैंग हो जाता है, एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है, दूसरों का POV सुनता ही नहीं है, दैट पर्सन इज़ अ प्रॉब्लम. और वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ओके, इन दिस रेट्रोगेट पीरियड. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो ऐसे लोगों से और इस पर्सन से. स्पेसिफिकली कोई ड्रामा मत लो, कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व मत हो जहाँ पे बहुत सारी बातचीत करने की ज़रूरत है. बिकॉज वी नो मर्क्यूरी रेट्रोगेट इज़ नॉट स्पेयरिंग अस विद कन्वर्सेशंस, लाइक कॉन्फ्रंटेशंस अवॉइड. ऐसे इंसान के साथ जिससे कोई सोल्यूशन ही नहीं है बात करने का, अपना मुंह क्यों ख़राब करना, बिकॉज आई डोंट फील कि इट विल बेनिफिट यू. तो हम इस चीज़ के थोड़े और डेप्थ में जाएंगे. मुझे लगता है कि सबका गुस्सा बहुत एक्टिवेट होने वाला है. सो फॉर योर पाइल आई थिंक अगर सब इतने गुस्से वाली एनर्जी में रहेंगे, स्टबर्न एनर्जी में रहेंगे, तो झुकेगा कौन या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा, वो हैंड कौन एक्सटेंड करेगा. अगर आपको लग रहा है आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप कर सकते हो सो प्लीज़ बी दैट. ठीक है, ये टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है अपने लिए खड़े होने के लिए या फिर कॉन्फ्रंटेशंस करने के लिए. मर्क्यूरी रेट्रोगेट इज़ अ पीरियड जहाँ पे आपको थोड़ा धीमा चलना पड़ेगा. ओके, वॉट एल्स कैन कम. कम्युनिकेशन पे खास करके ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ईगो वॉर्स होने वाली है. सबका ईगो हर्ट होने वाला है, लाइक आपका भी हो सकता है, लाइक आप भी बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हो, अचानक से आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे हो, हर चीज़ आपको चुभ रही है, हर चीज़ से आप इनसिक्योर फील कर रहे हो. आपका ऐसा डार्क साइड एक्टिवेट हो गया है कि आपको हर चीज़ दिल पे लेनी है अभी. ये आप भी हो सकते हो. ओके, इफ़ यू आर वन ऑफ द वाटर एंड अर्थ साइन यू कैन बी इट. तो जो भी है ये पर्सन भी हो सकता है कोई, आई थिंक गुस्सा एक्टिवेटेड है. कम्युनिकेशन पे खास करके ये ध्यान देने की ज़रूरत है. ईगो बेस्ड कम्युनिकेशन मत करना. आपको लग रहा है कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, बट अगर वो एक गुड प्लेस से नहीं आ रहा है, अगर वो ईगो की प्लेस से आ रहा है, तो उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होगा. तो वो कन्वर्सेशन किधर नहीं जाएगी, बिकॉज आपका स्टार्ट ही गलत था. आप स्टार्ट कर रहे थे ईगो से कि मैं इससे बात करके उसको समझा के अपना ईगो सेटिस्फाई करूंगा या करूंगी. अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई करता है या फिर आप करते हो, तो ये स्टॉप करो, बिकॉज मर्क्यूरी रेट्रोगेट में ये चीज़ इंटू टू होने वाली है. ओके, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग आ रहा है, बहुत सोच समझ के. इट इज़ लाइक बोलने से पहले अपने दिमाग में 100 बार सोच लेना, लाइक मल्टीपल टाइम्स थिंक ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, बिकॉज फैमिली ड्रामा इज ऑन फॉर यू गाइस. आई थिंक दिस, ये पाइल का नाम है फैमिली ड्रामा, ये पाइल का नाम है फैमिली ड्रामा. बट सब कुछ ठीक होगा आफ्टर मर्क्यूरी रेट्रोगेट. चीज़ें इतनी बिगड़ हुई बहुत टाइम के लिए नहीं रहेगी. मुझे लगता है आफ्टर मर्क्यूरी रेट्रोगेट जो रिलेशंस खराब होंगे इस टाइम पे आपकी फैमिली में, या फिर आपकी फैमिली टू फैमिली भी हो सकता है, मतलब कोई एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में आपकी फैमिली की फाइट, ऐसे भी हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी हो सकता है. बट जो भी होगा वो चीज़ ठीक हो जाएगी. सो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग ऐसे रहने वाली है. समझो कि एक बुरा फेस चल रहा है. ओके, वो होना था. ठीक है, इट इज़ लाइक अ ट्रिगर. तलवारें निकलेगी, फाइट, ये ईगो वो ईगो, यू बेस्ट बिलीव कि ईगो वॉर होने वाली है. आपको बस वो सिचुएशन से हट जाना है. अगर आपको लग रहा नहीं कि आप ये पर्सन हो, आप बस एक सिचुएशन में हो जो आप पे ये चीज़ हो रही है, जस्ट मूव ऑन. मतलब अपने ईयरफोन्स डाल लो या फिर वो जगह से हट जाओ, या फिर गो टू सम कैफे, गो टू सम पता नहीं किधर जाओ और अपने आप को छुपा लो, बिकॉज आई डोंट फील कि इंगेज करना इस सिचुएशन में कुछ भी अच्छा करेगा. मूव ऑन.
जहाँ पे भी आपको लग रहा है आर्ग्यूमेंट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ पे आप अग्रेसिव हो सकते हो, अगर आप जंप इन करते हो तो चीज़ें और ख़राब हो सकती है, गो लीव द रूम, रीड द रूम फर्स्ट. मतलब मैं बोलती हूँ रीड द रूम, इफ़ यू रीड इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट लीव द रूम. ठीक है, तो ये फ्रेज आप अपने माइंड में रख दो. इफ़ यू डोंट लाइक द रूम, जहाँ पे आप देख रहे हो चीज़ें बहुत गर्मा गर्मी है और आप कुछ नहीं कर सकते, आपको निकल जाना चाहिए. ओके, सब अपने आप ठीक हो जाएगा. आप गो लीव. ओह माय गॉड, पाइल नंबर वन, मुझे लगता है आपको इस चीज़ से हटना है. मतलब कभी भी ऐसा कुछ ट्रिगर हुआ आपके माइंड में जहाँ पे इतनी चीज़ें गर्मा गर्मी हो गई, आपको बस एस्केप करना, यू हैव टू रन. मतलब अभी मेरे पास समय नहीं है इस चीज़ को एंटरटेन करने के लिए, या फिर अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये चीज़ सॉल्व करने के लिए. भागो, भागने वाले मोड में रहना है आपको पूरे टाइम. लाइक सॉरी बट ये बात हम कभी और करेंगे. ऑल्सो कोई इंपॉर्टेंट पेपर साइन करने, कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, जल्दबाजी में नहीं, ये टाइम पर तो बिल्कुल नहीं. मतलब अभी नहीं, इस चीज़ से मैं बाद में डील करूँगी. लाइक अभी के लिए अभी मत मुझसे पूछो, ऐसे जोन में आपको जाना है थोड़ा सा. ओके, इट कैन वेट, मतलब ये चीज़ रुक सकती है. अभी नहीं वाले मोड में चले जाओ. 1 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक सब ठीक हो जाएगा. बिकॉज आई सी ड्रामा, ड्रामा इज ड्रामा फॉर यू. लाइक आपको हर्ट करेगी वो सिचुएशन, ठीक है. अगर आप उसको हर्ट करने दोगे, वो चीज़ आप पे कितनी हावी करती है, इसका जो चॉइस है वो आपके हाथ में है. अगर आप बोलो कि नहीं मैं अभी इतना एंगेज या इन्वॉल्व नहीं होगी इस चीज़ में या फिर होऊंगा, यू आर सेफ देन. ठीक है, कोई बात नहीं, देन इट्स योर चॉइस. सो मैंने जितना बोला उतना करो, बिकॉज मोस्टली तक मुझे यही आ रहा है. ज़्यादा करके यही टेस्ट होने वाला है आपका. ओके, फिर भी हम एक बार वापस से देख लेते हैं व्हाट इज, इससे भी देख लेती हूँ मैं थोड़ा सा. ओके, लेट्स सी फाइल नंबर वन. यू आर ऑसम. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप क्वेश्चन करोगे अपने बारे में, सेल्फ क्रिटिकल हो जाओगे, इनसिक्योर हो जाओगे, आप चीज़ों को डाउट करोगे, बहुत अनग्रेटफुल एनर्जी में चले जाओगे. इसलिए कन्फर्मेशन आया कि तो ये मैसेज है आपको जो याद रखना है थ्रू आउट मर्क्यूरी रेट्रोगेट, कि आपका सबसे बड़ा रिलेशनशिप अपने साथ है, दूसरों के साथ नहीं, ना ही आपके फैमिली के साथ. सबसे बड़ा रिलेशन आपका खुद से होता है, उसको स्ट्रेंथ करो, अपने ऊपर प्यार डालो, अपने ऊपर अंडरस्टैंडिंग डालो. किसी और पर डाल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला. ग्लो योर सेल्फ, ब्लूम योर सेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. जितना आप इस एनर्जी में रहोगे, आपको समझ आएगा कि बाहरी रिश्ते इतने मैटर नहीं करते जितना आपका रिश्ता अपने साथ मैटर करता है. ठीक है, बिकॉज बहुत ज़रूरी होगा आपको ये याद रखना, चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली है. मतलब अचानक से ऐसी चीज़ें बदलने वाली है और ड्रामाज ऐसे होने वाले हैं, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, यू हैव टू स्लो डाउन. थोड़ा सा शांति, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट. ये एनर्जी में आपको जाना है. लाइक योगा कर लो, जो भी आपके मन को शांत करता है कर लो, बिकॉज शांति की बहुत ज़रूरत होगी दिस ड्यूरेशन में. ओके, शांति शांति, इट्स ओके. ज़्यादा रश मत करो, जितना आप स्लो डाउन करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए. ओके ओके गाइस, तो ये था आपके लिए शॉर्ट रीडिंग जो था मर्क्यूरी रेट्रोगेट के लिए. मुझे क्विकली इस पर बनाना था बिकॉज मुझे सच में लग रहा था ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. एंड डेफिनेटली अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं, चाहे वो 18+ हो, एवरीथिंग इज कमिंग. बट या गुड थिंग्स टेक टाइम, तो अभी के लिए इसको डाइजेस्ट करो पहले, बिकॉज आई थिंक इससे बड़ा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं हो सकता. बिकॉज ये अपकमिंग डेज है आपके लिए, आने वाले दिन है आपके लिए. तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सारे डिटेल्स है जहाँ पे आप रीडिंग जाके बुक कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड व्हाट एल्स, यस कमेंट, बिकॉज मैं सारे कमेंट आपको पता ही पढ़ती हूँ. सो बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो माय डियर पाइल नंबर टू, अगर आपने चूज़ किया है ये कैन का ढक्कन, तो ये है आपके लिए द लाइट एंड शेयर पॉकेट आरो. तो ये है आपकी रीडिंग, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या हो सकता है, क्या चीज़ है आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस रेट्रोगेट पीरियड में पाइल नंबर टू के लिए. व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट्स सी फॉर यू. ओके, ओके,
यहाँ पे कोई जो वीडियो देख रहा है वो अर्थ साइन हो सकता है या फिर आपका या अर्थ साइन के बीच में कुछ हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में कोई अर्थ साइन है, आपके फ्रेंड्स में कोई अर्थ साइन है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इक्वेशन चेंजेस हो सकते हैं। बट उससे भी ज़्यादा आपको बहुत इनसिक्योर फील हो सकता है पाइल नंबर टू अपनी बॉडी में इन द मर्क्यूरी रेट्रोगेट पीरियड। आपको थोड़ा एजम्पशन हो सकता है अपनी बॉडी के बारे में, या फिर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है जो आपको रिस्क लेने से रोकेगी। आपको अपने टैलेंट्स पे भरोसा नहीं है, शायद आपको अपनी कम्युनिकेशन भरोसा नहीं हो रहा है, लाइक कुछ तो है आपके कैरेक्टरिस्टिक में या पर्सनैलिटी पे जिसको लेके आप इनसिक्योर हो गए हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू मतलब एक प्रेशर बिल्ड करेगी वो आपके माइंड में, और इनटू टू टाइम्स आप इस चीज़ को सोच सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मेरा एडवाइस रहेगा कि आप इस चीज़ पे काम करो एंड यू रियली इंट्रोस्पेक्ट ये कहाँ से आती है, एंड बहुत ज़्यादा इल्यूजन में चले जाओगे। मतलब मैं वही समझ रही हूँ कि आपकी मुझे एज सच कुछ इनसिक्योरिटी एज अ रीडर अगर मैं बोलूँ तो मुझे दिखती नहीं है, इसलिए नहीं दिखती बिकॉज आधे से ज़्यादा जो चीज़ें आप सोचते हो अपने बारे में वो भ्रम है, इल्यूजन है। हो सकता है ये जो मर्क्यूरी रेट्रोगेट है आपका इल्यूजन, आपका जो भ्रम है आपके काफ़ी सारे रिश्तों के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, आपके खुद के बारे में, वो इंटू टेन कर देगा, ठीक है। तो आप बहुत भ्रमित रहोगे, आप इल्यूजन में रहोगे, आपको लगेगा कि ऐसा ही है, नहीं ये तो एकदम सही है। जब ये आपको लगेगा कि हाँ आप एकदम इस चीज़ पे बहुत स्टबन हो गए हो, ये ही राइट है, द राइट थिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है, तो आप इल्यूजन में रहोगे। अगर आप कोई भी चीज़ को लेकर इनसिक्योर होते हो, मुझे लगता है वो एक भ्रम है, वो एक इल्यूजन है, ये आपका खुद का बनाया हुआ चीज़ है, चाहे आप उसको कितना भी ठीक कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी इनसिक्योरिटी, आप कितना भी फिट हो जाओ वो हमेशा रहेगी, आपको लगेगा कि नहीं और करना है और करना है। वॉट इज़ दैट? दैट इज़ ऑब्सेशन, दैट इज़ इल्यूजन, वो चीज़ है ही नहीं, बट वो आपके माइंड में इंटू टेन हो गई है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आप बहुत भ्रमित हो जाओगे और इस चीज़ को लेके आप बहुत गिल्टी, कोई तो चीज़ कोई फॉलो कर रहा है आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको गिल्टी फील होगा। कोई अपने लाइफ में इंप्रूव कर रहा है, आप वो चीज़ एग्जैक्टली वैसे नहीं कर रहे हो, गिल्टी फील होगा, कंपैरिजन में जा सकते हो, थोड़ा सा गिल्ट बहुत स्ट्रांग आएगा आपको अपने खुद के लिए, ठीक है। फॉर सम रीज़न गिल्टी एनर्जी है, भ्रम वाली एनर्जी है, इनसिक्योरिटी है, जो आपको थोड़ी परेशान कर सकती है टिल 1st April to 24th। बट ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है बिकॉज आप एक हीलिंग स्टेज पे एंटर किया है आपने। मर्क्यूरी रेट्रोगेट आपको पूरा हील करके जाएगा, आपकी ये सारी इनसिक्योरिटी ऊपर तक आएगी, इधर तक आएगी। जब तक वो नीचे नहीं जाएगी तब तक आप समझोगे नहीं कि ये आपका माइंड है, ये कहाँ से आता है। आपको अपना शैडो वर्क करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हाँ अगर मैं इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हूँ बट अगर ये रियलिटी नहीं है तो ये कहाँ से आती है, क्या ये मेरे बचपन से आती है, क्या ये मुझे चाइल्डहुड से आती है, क्या ये मुझे किसने बोला था, क्या ये मेरा कोई ट्रिगर है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? हीलिंग, ठीक है। मर्क्यूरी रेट्रोगेट आपको हील करने के पर्पज से आ रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू ये कोई प्रिटी वॉक नहीं होने वाला, ये कोई बहुत क्यूटसी थिंग नहीं होने वाला, इट इज़ गोइंग टू बी अगली, ओके, बहुत अगली होगा चीज़ें आपके लिए। आपके माइंड में हो सकता है फिजिकल वर्ल्ड में इतनी चीज़ें ना हो जितना यहाँ पे आपको काबू करना है, ओके, इट इज़ ऑल इन योर हेड लिटरली, ठीक है। हीलिंग मोड पे जाने वाले हो प्योरली, मर्क्यूरी रेट्रोगेट आ ही रहा है आपकी चीज़ों को हील करने, निकालने, रिलीज करने, एंड उसमें आपको उन साथ देना है बिकॉज आई थिंक चीज़ें बुरी होती हैं अच्छी होने से पहले, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली योर केस ऑल्सो। सो लेट्स सी मोर। आप लव को भी क्रेव करोगे, लव को रिलेटेड भी, लव के रिलेटेड आपको लगेगा आप बहुत सही जा रहे हो पर आप नहीं जा रहे हो, लाइक एक वो रहेगा डिलेमा, लाइक थोड़ा भ्रमित, ठीक है। इस चीज़ मेरे को लगता है काफ़ी लोग का राहु एक्टिव है या फिर कोई राहु की दशा चल रही है या राहु कोई प्लेसमेंट पे है बिकॉज ये जो आपको इल्यूजन दे रहा है वो आपको ब्लेसिंग से रोक रहा है। और हीलिंग करने से, एक पास्ट को रिलीज करने से बहुत अच्छा आप करोगे अपने लिए, यस, आपकी ग्रोथ को, आपके आपके आपको आगे बढ़ने से रोक, क्लैरिटी चाहिए माइंड को, माइंड को शांति चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी, माइंड हमेशा दूसरी चीज़ सोचेगा। और जैसे मैंने पाइल नंबर 1 को भी कहा, दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे आए कम्युनिकेशन के रिलेटेड, तो बात करने में थोड़ा सा सोच के बात करो बिकॉज चीज़ें शायद अपने आप मैनिफेस्ट हो जाए, आप जो चाहते हो, नहीं चाहते हो, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, मे बी यू आर ऑल्सो हाई ऑन मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप अपने बारे में कुछ बुरा बोलते हो आप वैसा ही फील करोगे, अगर आप कुछ अच्छा बोलते हो वैसा ही फील करोगे। मतलब क्या करते हो, क्या आप यूनिवर्स को बोल रहे हो, क्या आप गॉड को बोल रहे हो, थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज आई डेफिनेटली फील आप कुछ तो यहाँ पे भ्रम को गाइड करने दे रहे हो अपने लाइफ को, ओके।
आपको हीलिंग के द्वारा, रिलीजिंग के द्वारा आपको समझ आएगा आप किस चीज़ में अच्छे हो. आप शायद अपने आप को डिस्कवर कर सकते हो. आपको समझ में आएगा बहुत चीज़ें अपने बारे में कि आपको ये चीज़ ना पसंद है तो क्यों ना पसंद है, पसंद है तो क्यों पसंद है. आपको अपने लाइक डिसलाइक समझ में आएंगे. आप अपने आप को समझोगे. अगर वो जोन में चले गए तो बहुत अच्छा, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप नहीं गए तो भ्रम आपको गाइड कर सकता है. हीलिंग को हीलिंग के तरह लो. ओके, एंड अगर आप यहाँ पे कोई सोच रहा है कि आपका टैलेंट क्या है, लिटरली आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपका पैशन कहाँ पे है, तो मुझे लगता है ये कमिंग टाइम आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है उस मामले में. दैट इज़ समथिंग जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्लैरिटी भी लेके आ रहा है आपके लिए, बट नॉट ईजी. फैमिली ड्रामा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, लाइक पाइल नंबर वन. बट हाँ, मुझे मोस्टली इल्यूजन का जो वो लग रहा है ना, अगर चीज़ें इतनी भी होगी ना, मतलब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अगर आपको इतना परेशान करेगा ना, तो आप समझोगे इतना, तो उस चीज़ से थोड़ा बचो, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट सीरियस. मतलब हो सकता है जो चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इल्यूजन ही है. हाँ, वो चीज़ एक प्रॉब्लम है, हाँ वो चीज़ गड़बड़ है, हाँ वो चीज़ बुरी है, पर उसकी जो इंटेंसिटी है ना, वो आप थोड़ी हाई कर रहे हो. हाँ, शायद आप इनसिक्योर हो सही चीज़ के बारे में हो, बट इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हाई. नफरत ही करना उस चीज़ से, लाइक दैट आपका एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम इमोशन हो सकता है. सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में ये सेम चीज़ आप हील करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. मतलब चीज़ें सर्फेस पर आएंगी हील होने के लिए. तो फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन बहुत रिक्वायर्ड है. गिल्ट में मत जाओ कोई भी चीज़ को लेके, बिकॉज आई डेफिनेटली फील वो भी इल्यूजन है. उसमें भी कुछ ज़्यादा माइंड में मत रहो अपने बस. ओके, एंड कम्युनिकेट योर प्लेयर्स. मे बी योर डीलिंग विद सम प्लेयर, पता नहीं प्लेयर क्यों आया. ठीक है, प्रेयर्स में अपनी बहुत ज़्यादा आपको रियल होने की ज़रूरत है. ओके, रियल हो जाओ, बिकॉज आई थिंक जो आपको चाहिए स्ट्रेट अप बोलो. बिकॉज आई डेफिनेटली फील आपकी प्रेयर्स कोई सुन रहा है, या फिर आपकी प्लेयर्स कौन प्लेयर है यार यहाँ पे. आपकी लाइफ में कोई प्लेयर एनर्जी हो सकती है, उसको एंटरटेन मत करो. डेफिनेटली यहाँ पे गाइड्स मुझे ये बोलना चाहते हैं, शायद मैंने कुछ छोड़ दिया, कोई भी प्लेयर अगर आपके लाइफ में है जो जिसके साथ आपको फिर से कुछ आ रहा है, या फिर आप फिर से एंटरटेन कर रहे हो, या किसी का वेट कर रहे हो, जिसका वेट कर रहे हो वो एक प्लेयर एनर्जी है, उसको जाने दो. ठीक है, ओके. अपने बाहर को थोड़ा कम करो, बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में हैवीनेस क्रिएट करने दे रहे हो. ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, बीचेस पे जाओ, थोड़ा नेचर में जाओ, बिकॉज आपको लग रहा है आपको सब कुछ पता है, यूर राइट, यूर परफेक्ट, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगा. ये थोड़ा आपको भ्रमित हो सकता है कि आपको लगेगा हाँ मैं तो एकदम सही जगह पे सही समय पे सही चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन इट इज़ एक्चुअली ऑपोजिट. बिकॉज होगा क्या कि एक भ्रम में डाला जाएगा आपको, लाइक या दैट आपको स्पिरिचुअल ईगो भी आ सकता है फॉर सम ऑफ यू. लाइक मुझे पता है, ईगो बहुत मैटर कर रहा है मुझे ये रेट्रोग्रेड में. मुझे लगता है ईगो सबको आने वाला है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलना, एंड वॉक अवे फ्रॉम पीपल जो आपको इल्यूशन. सी आई टोल्ड यू इल्यूजन विल बी अ फैक्टर. ओके, ये पाइल वालों के साथ, जैसे कि फर्स्ट के साथ फैमिली ड्रामा था, यू गाइज भ्रम, इल्यूजन, माइंड में ही एक अलग सी दुनिया चल रही है और रियलिटी की दुनिया एकदम ही अलग है. प्रॉब्लम इतनी, आप सोचोगे इतना, आपको लगेगा यू आर ऑन द राइट पाथ, बट आप जो पाथ पे हो वो एक्चुअली कोई पाथ ही नहीं है. इतना सीरियस होने की ज़रूरत ही नहीं है. सो आई थिंक माइन्यूट प्रॉब्लम भी आपको मेजरली इफेक्ट करेगी इस टाइम पे, बिकॉज इल्यूजन. गॉसिप और बात किसी की सुनो मत. ऐसा आ रहा है कि जितना एक चीज़ के बारे में रोना बंद कर दो. आई डेफिनेटली फील कि जितना आप एक चीज़ को लेके बैठोगे ना, आप बस अपने आप पे छुरा वो भोंक रहे हो. लाइक जो बुरा हुआ है आपके साथ ना, उस पर थोड़ा रोना कम करो, बिकॉज हो क्या रहा है ना, वो हो गया है. ठीक है, अब हो गया, अब उस चीज़ को आप बार बार अपने सीने में छुरा भोंकने दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्यों. उसको थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज उसको उसके बारे में कितना बात करोगे. लाइक वो हो गया है, लाइक दैट हो गया है. सी मोर, आप बहुत कंट्रोल करोगे सिचुएशंस को. इल्यूजन वाले लोग यही करते हैं. इल्यूजन वाले लोग ज़्यादा क्यों सोचते हैं, बिकॉज उनको चाहिए कि हर चीज़ उनके हिसाब से हो. अगर हम कहाँ भी जा रहे हैं, कंट्रोलिंग के ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, आपको पता है, आप जाके देख सकते हो. तो वो कंट्रोलिंग वाला फैक्टर ठीक है, लेकिन हैव फेथ, सरेंडर. बिकॉज जितना इधर रहोगे ना, उतना मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपको तपाएगा लाइक ओ माई गॉड, हमेशा अलर्ट रहना. ऐसा है नहीं, इट इज़ अ फेक अलर्ट. गॉड इज़ लाइक प्लेइंग विथ यू थोड़ा सा यहाँ पे, बिकॉज आपको कंट्रोल पसंद है. ठीक है, तो कंट्रोल करो, ऐसे लाइक करो,
डू कंट्रोल, ओके, इट इज़ लाइक दैट. तो इट इज़ लाइक दैट, ओके. फॉर सम ऑफ यू गिल्ट भी आ रहा है मुझे यहाँ पे, कोई चीज़ के रिगार्डिंग अगर गिल्टी हो तो उसको छोड़ दो बिकॉज यू आर नॉट रॉन्ग. वो भ्रम है फिर से. किसी कोई इमोशंस के रिगार्डिंग मैनिपुलेशन हो सकती है आपके साइड से. इमोशन इंटेंस इमोशंस है आपके, ठीक है. एक चीज़ के बारे में इंटेंसली सोचने का एक वाइब क्रिएट हो रहा है आपके साथ में, तो उसको कंट्रोल करो. आप इमोशनल ईटिंग कर सकते हो, इमोशनल स्पेंडिंग कर सकते हो, इमोशनल थिंकिंग कर सकते हो, इमोशंस हाई हो सकते हैं, इल्यूजन हाई हो सकते हैं. कंट्रोल yourself, not the situation. अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए. अगर आपको कंट्रोल इतना ही पसंद है तो स्टार्ट अपने माइंड से कीजिए, उसके बाद में दूसरी चीज़ों पे जाइए. बिकॉज एक्सटर्नल चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हो बट गेम आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है. इट इज़ लाइक इमोशनल ईटिंग मत करना, ठीक है. इमोशंस जो बोले ना ये पीरियड में, थोड़ा उससे दूरी मेंटेन करना. इमोशनली मुझे मन कर रहा है इसको मैं ठीक करूँ, इमोशनली मुझे मन कर रहा है मैं इसको टेक्स्ट करूँ, इमोशनली मुझे लग रहा है कि मुझे आज ये खाना चाहिए, इमोशनली मुझे मेरा मन कर रहा है मैं आज ये आ जाऊँ. नो लॉजिक. लॉजिक क्या, ये क्या बोल रहा है, ठीक है. माइंड को कंट्रोल करो बट माइंड की सुनो भी. लाइक लॉजिक और इल्यूशन, काफ़ी लोग को इंट्यूशन और इल्यूशन में फ़र्क ही समझ नहीं आता. उनको लगता है वो इंट्यूशन है बट इट इज़ नॉट. ये आपका भ्रम है. इंट्यूशन कभी आपको फियर नहीं देगा, भ्रम ही फियर देता है. तो इसको डिस्टिंग्विश करो. इंट्यूशन कभी आपको डराएगा नहीं क्योंकि इंट्यूशन आता है इससे, गाइड से आता है. इल्यूशन आपको डराता है बिकॉज वो डेविल से आता है, ठीक है. फ़र्क समझो, माइंड की सुनो बट कंट्रोल करके, ओके. माइंड को जिसने कंट्रोल कर लिया ना वो इंसान महारथी है, वो इंसान बहुत आगे जा सकता है. सो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, इंट्यूशन आता है गाइड से, स्पिरिट गाइड से. इल्यूजन और भ्रम की एनर्जी आती है राक्षस से, डेविल से. तो उसको आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? जो इल्यूजन की एनर्जी होती है ना वो आपको डराती है. वो जैसे ही आती है, मतलब पहला चीज़ आता है फक, लाइक सॉरी टू स्वेयर, आई एम वेरी सॉरी टू स्वेयर बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाती. मुझे जो इंटेंसली फील होता है इट इज़ लाइक ओ माई गॉड, लाइक मुझे बहुत डर लग रहा है इसके बाद में. बट इंट्यूशन बहुत कामली आता है, स्विफ्टली आता है. मतलब एक थॉट होता है जो आपके माइंड से होके चला जाता है. दैट इज़ अ डिवाइन थॉट, दैट इज़ नॉट इल्यूशन. वो भ्रम नहीं है क्योंकि वो इतनी स्लोली आ रहा है, वो आपको डरा नहीं रहा है, ठीक है. भले ही वो एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं चाहते पर आपको डर की फीलिंग कभी नहीं देगा. तो आप ऐसे वे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. वाव, इसके रिगार्डिंग मैं शॉर्ट भी बनाऊंगी बिकॉज आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए और ये काफ़ी लोग को नहीं पता है. सो आई थिंक जो मैंने कहा है ना वो आपको आने वाले टाइम में बहुत मदद करने वाला है. एंड यू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस बिफोर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, अमेजिंग. अगर आप ड्यूरिंग भी वॉच कर रहे हो, वर्क ऑन इट बिकॉज एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है. इन्फ्लुएंस, थिंक योर ओन थाट्स. आपको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके फ्रेंड ग्रुप में या फिर आपके अपने लोग, आपका खुद का माइंड या फिर ये आपका खुद का माइंड ही नहीं है, ओके. आई डेफिनेटली फील किसी जिससे भी आप बात करो इसकी कम सुनो, अपने थॉट्स सोचो, लेकिन उसमें भी आपको इन्फ्लुएंस होता है थ्रू इल्यूशन. ट्राई गॉड्स वे, मतलब भगवान की तरफ और जाने की कोशिश करो ताकि आपको ज़्यादा इंट्यूशन आए, नॉट इल्यूशन, ओके. माय गॉड, आरंट वी ऑल फाइटिंग दिस? आई मीन हाफ ऑफ द थिंग्स आई एम सेइंग इट इज़ सच लाइक सच अ मेजर थिंग. सबको ये चीज़ होती है, इनसिक्योर ऑफ बॉडी, समथिंग इज हैपनिंग. वाटर साइन हो सकते हो आप या फिर आपका वाटर साइन का जो साइन है जैसे कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, वो आपके चार्ट चेक करो बिकॉज उस चार्ट में कोई तो ग्रह बैठा है जो एक्टिव हो गया है जिसकी वजह से आप वैसा ज़्यादा बिहेव कर रहे हो, ओके. इमोशनली इमोशंस अप हो सकते हैं बट आप हीलिंग में हो. ये सब कब होता है? चीज़ें वर्स्ट कब होती है? चीज़ें आपको सॉल्व करने कब देता है भगवान? जब आपको चीज़ों को एक्नॉलेज करके छोड़ना होता है. वो क्या होता है? हीलिंग होती है. आफ्टर दिस फेज, अगर आपने ये फेज पार कर लिया ना, आप बहुत अपने आप को जानने लग जाओगे, आप अपने हिडन टैलेंट्स को जानने लग जाओगे. आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद, बट फिर भी आना, आई मीन प्लीज़ छोड़ना मत यार. वीडियो एंड करने से पहले सबसे मेजर थिंग, सबसे मेजर चीज़, अगर कोई पास्ट से या फिर कोई ऐसा इंसान आप के साथ वापस जुड़ना चाहता है, रिकनेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, जो पास्ट से है, पास्ट से नहीं भी है तो रीसेंट भी हो, फ्यूचर से भी हो, कोई भी पर्सन हो, मुझे नहीं पता, बट अगर वो इमोशनली अनअवेलेबल है, उसको आपका 1% वक्त नहीं देना बिकॉज आई थिंक इमोशनली एक अनअवेलेबल इंसान जो अपने लाइफ में खुश नहीं है, जो आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकता इमोशनली, वो आपकी तरफ आ सकता है. आपको उस इंसान को टर्न डाउन करने की ज़रूरत है बिकॉज हीलिंग में हमेशा आपको टेस्ट मिलेंगे.
टेस्ट होता ही है. हीलिंग इज़ नॉट ईजी. जो समझते कि मैं हीलिंग में चली गई, अभी तो बस फ्लावर्स एंड रोजेस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो यू विल बी टेस्टेड एक इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन के साथ में. अगर हो भी रहे हो तो आई डेफिनेटली फील जो भी इंसान है इमोशनली अनअवेलेबल है, नॉन कमिटल है, एंड यू कैन बेटर रिकग्नाइज देम. सो डू नॉट एंटरटेन इट. ओके, दैट वॉज माई रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ रीडिंग कैसे बुक करनी है वो सारे डिटेल्स रहेंगे, तो आप कर सकते हो वो चीज़. एंड लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो.